तुम मुझे कहते थे कि मैं दो तरफा जिंदगी जी रहा हूँ। दिन में पुल के नज़ारे को सिस रहे हैं, बच्चों की छुट्टी हो रही है, विवेकानंद पेपर हैं तो आज घर आ रहे हैं, पेपर आज समाप्त तो हो चुके हैं शायद। दीपावली के बाद रामलीला शुरू होंगे तो रंग चुना पेंट वगैरह हो रहा है यहाँ पे, तो सजने लग गया है हमारा रामलीला स्टेज। ब्लॉग की स्टार्टिंग आधे रास्ते से कर रहे हैं और गई थी मैं पुल में, अपने भाई को कुछ पैसे देने थे तो गई। करिश्मा मैडम कपड़े धो रही है, करिश्मा मैम बन गई है आजकल, कपड़े धो रही है, आज से छुट्टियाँ लग गई ना तो सही हो रहा है, इसका भी साफ सफाई हो गई कम्प्लीट। अब दुकान की रहेगी, आप दुकान की करूँगी। हमारा ओखल भी तैयार हो गया है चूड़े कूटने के लिए, अभी नहीं हुआ है मतलब छुपाया था, तो इस पर लिपाई घसाई करके एप्पन डाल के सही कर देंगे। चलते हूँ घर की तरफ। तो कमरे में आ गई हूँ, ब्लॉग स्टार्टिंग कर रही हूँ दिन से। नमस्कार पहला आप सभी को मेरा। और गई थी मैं पुल में, भाई आ रहा था आज दिल्ली से तो उसके पैसे थे, उसने मेरे अकाउंट में डालते तो यहाँ से निकाल के फिर वो ले जाएगा यहाँ पर से, तो आज दिल्ली से घर आ रहा था दीपावली के लिए। बाकी मेरी सारी साफ सफाई, हमारे घर में भी आज आने वाली है दीपा और वंदना भी आने वाली है, तो मम्मी लोग तो सुबह ही घर से आ गए थे। सुबह मेरी ये साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, खिड़की दरवाजे सारे मिट्टी साफ़ करना, इसके बाद रहती है दुकान की सफाई। तो अब चलती हूँ, रास्ते से ही मेले मिठाई लाएगा, दुकान में सुबह से प्रेस लगाती थी तो आज थोड़ा धुरा काम हो रखा है तो इनको और फिर से प्रेस करके टांग देती हूँ, क्योंकि खाली खाली हो रहा है। खाली तो क्या हो रहा है, पहले सफाई करूँगी, पूरे पोछा लगा मतलब पोछने हैं, रैग वैग सारी धूल बैठी है, यहाँ भी धुलाई करती हूँ मैं, और इधर से आगे को बहुत ज़्यादा सफाई करनी होती है मेरे को, ये दो कमरे यहाँ और उसका आगे वाला। तो पहले तो दीपावली की फूलमालाएँ ढूंढते हैं कहाँ रख, क्या नहीं, अरे सफाई करने कह रही हूँ, ये देखो मम्मी लोग भी आ गए यहाँ फूलमाला ढूंढ। तो फूल मालाओं की पेटी ये रही और इसी में मेरे थोड़े लाइट की मालाएं हैं जिसे मैं शाम को ही लगा दूंगी आज, और ये थोड़े से दरवाजे में एप्पन वगैरह का काम तो आता नहीं है, नहीं तो करते, अब हो ही जाता अगर टाइम होता तो, लेकिन यही चिपकाते हैं, तो पिछले साल के हैं थोड़े से ज़्यादा हो गए थे तो इस बार थोड़े कम लाने पड़ेंगे, तो पहले इनको मैं धूप में लटकाती हूँ। क्या हो रहा भाई, फूलमाला धोने के बाद इन कमरों की सफाई करने पहुंच गई मैं। इन कमरों की सफाई ना विशेषकर मतलब ज़मीन की सफाई तो होती है हमेशा, लेकिन जो कोने काने ये बक्से बक्से के बर्तन अच्छे से रखना ये हर साल दीपावली में ही होता है, ये वाला कमरा और ये वाला कमरा ऐसे हुआ रहता ना, मतलब ऐसा लगता है जैसे कबाड़ हो सका है, तो है कबाड़ ही हुआ, घर का सारा सामान रखते हैं फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे ही निकाल के ले जाते हैं तो फिर बाकी बिखर जाता है, तो उन्हें सेट करना अब पता नहीं किस समय कर पाऊँगी। हर किसी के घर में एक इस टाइप का भंडार बक्सा रहता है, भकार जिसे कहते हैं, तो हमारा तो बक्सा है, वैसे तो ये कपड़ों के लिए था पर इसमें बर्तन ही बर्तन है, तो कुछ इस तरह के इतने बर्तन हैं, तो इन्हें मैं सोच रही हूँ अच्छे से सेट करके रखूँ, क्योंकि जैसे हमें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम ऐसे खींच के निकालेंगे तब तक ये इथिल उथल पुथल हो जाते हैं, तो कुछ इसी तरह से ये सब बिखरे पड़े हैं, तो इन्हें मैं अच्छे से सेट करके रखने की सोच रही हूँ, तो देखते हैं मेरा काम कैसा रहता है। तो दिन का खाना खा लिया है और दीपा वंदना लोग भी आ गए थे बर्तन वगैरह धो के, अब मेरे को सफाई करने की हिम्मत नहीं आ रही क्योंकि पेट भर गया है, तो अभी उधर को चलते हैं, उधर बैठने गए हैं चाची लोगों के वहाँ सभी, तो मैं तो थोड़ी देर बिल्लियों के साथ खेल रही थी यहाँ पे, तो अब जाती हूँ और फिर मिलाती हूँ आपसे सभी को। तो इस कमरे में सब बैठे हैं तो हल्ला हल्ला हो रहा है और ये पांचुल दो अम्मा को ही देखे रह गया, कहाँ थे इतने दिन से, कभी कभी दिखते हैं बोल रहे हैं ना, मैं तो रोज दिखती हूँ। गर्मी अम्मा गर्मी गई थी राजमा उतारने, हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, आप भी आओगे? वो देखो जैसे जैसे समझ रहा हो, आप भी आओगे? हेलो, ठीक है, बहुत समय था आपके, बहुत लोग पूछ रहे थे वंदना कहाँ है आज, आ गई वंदना, आप कुछ दिन दिखेगी, कितने दिन के लिए? 10-15 दिन दिखेगी रोज। नहीं आ रहा? नहीं वो नहीं आएंगे, उनको छुट्टी नहीं, आधा तो रोज की हुई, आज भी आ गई स्कूल से, अब तो छुट्टियां लग गई होंगी। तो बाकी दीपा है, हेलो सभी, हेलो बोलो, ये दो अब चेली बट्टियां हुए मतलब मायके आए हैं, ये तो अभी मायके में है। तो वंदना ने यहाँ पे अपनी शॉपिंग खोल दी,
देखते हैं छोटू के लिए क्या क्या आए हैं। तुम तो बस बस सोच बस। ये एक टॉय है, ये दो छोटे छोटे कितने टॉय है। वाओ रर रर रर, ये देखो कितने अच्छे है। कब पहनेगा ये, वैसे तो आ जाएगा। ये नीचे से वो होता है, एक और है इसका। बा राधा अब गप्ता ले इसको। किट्टू राधा के लिए है क्या ये, है राधा? ये लाइट वाला होगा ना, नहीं पहनेंगे इसलिए। ये देखो अच्छी दिख रही है, ड्रेस में काम आएगी पता है, स्कूल रोज उसके लिए। हां वरना थैंक यू, थैंक यू। शर्ट आगे कर रहे यार, ठीक है यार। अरे उस पे जम रहा है पता है, साड़ी में स्कूल की ड्रेस के लिए। देखा देखा राधा ऐसे फायदा दिलाते। देखो सबसे प्यारी शॉपिंग छोटू की है, फिर दीपावली की है। बाकी देखो बच्चे तो पटाखे के उसमें हैं, प्रकाश ने वो उनको परेशान कर रखा है। दे देना और ये देखो, और मेरे को भी ये मिल गया, थैंक यू वंदना। ऐसी ऐसी कमाते रहना, खूब खूब देते रहना। अच्छा चलो, ये इंदु के पैर में नहीं आए ना, तब चलो मुझे मिले। अच्छा अब इंदु के लिए अच्छे अच्छे और लाना। अंदर से तो अच्छे चप्पल पहन के आई है, बाहर से अपने वाले पहनती हूँ रोज के, तो इनको हाथ में ले जाऊंगी। फाइनली मेरा माइक भी आ गया, ठीक हो गए नरेन भैया ने, थैंक यू सो मच नरेन भैया को भी। और नमू के लिए फूड है, वंदना लाई। और अब चलती हूँ सफाई करने। देखो मैं सुबह से ऐसी फालतू बैठ रखी हूँ दीपावली के पूरे मजे। ये देखो ऐसा हाल हो रखा है यहाँ, और कैसे ठीक करूँ मैं। अब सुंदरी तेरा घर उजड़ गया भाई, हैं कहाँ सोएगी, कढ़ाई में सो जा। तो फटाफट से मैं अपना बक्सा समेटती हूँ यार, अब तो आफत, अब तो दिख भी लग रही, करने का मन नहीं कर रहा है। तो इस बक्से में थोड़ा सामान अच्छे से रख दिया, मतलब रखा तो क्या है, वैसे ही लग रहा होगा, लेकिन एक सेट ताकि निकालने के लिए आसानी हो। और अब इस बक्से की बारी है, इस बक्से में खाली बैग वगैरह, आर्मी वाले कपड़े, पुराने किताबें नारायण भैया लोगों के, और उन्हीं में से मेरे को कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे ये हो गए निगेटिव कहते थे इनको, निगेटिव। और इसमें कुछ शायरियाँ, चिट्ठियाँ और बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड, ये देखो। तो इनका अब समय कहाँ है, फिर भी दिखाती हूँ आपको थोड़ा थोड़ा। ये देखो चिट्ठियाँ भी हैं, कहीं नरेंद्र भैया की गर्लफ्रेंड की चिट्ठी आएगी तो। सब ग्रीटिंग कार्ड हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीटिंग कार्ड हैं। ये देखो हर लिफाफे में सारे, ये सारे ग्रीटिंग कार्ड हैं। दूसरी की चीज़ें देखने में बड़ा मज़ा अच्छा आता है। बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी है ये, राइटिंग देखो कितनी सुंदर है, ऐसा लिख रखा है। ये भी है, खैर दूसरे की चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए। चलो इसी में रख देती हूँ। तो अभी शाम के 6:15 हो चुके हैं, दुकान बढ़ा ली मैंने, अब घर की तरफ चलते हैं। और सफाई तो मेरी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो अब कल करूँगी, बाकी शाम हो गए ना इसलिए अभी नहीं कर रही हूँ। तो अभी खाना खा लिया हमने और रात के 10 बज चुके हैं। और किसी किसी लोगों का धनतेरस आज था, वैसे तो अधिकतर ज़्यादा लोगों का 23 तारीख को ही है, मतलब कल। तो आप सभी को भी कल धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और नमो की खूब ढेर सारी शॉपिंग हो रही है दीपावली के, पटाखे गन वगैरह। तो एक डब्बा अधगोला फोड़ा आज, क्या फोड़ा, और पैसे तो बिल्कुल सिराने में ही रख के सो रहा है कि कल मुर्गा छाप लूंगा बोल रहा है। तो कितने फोड़ेगा देखो, तो अपने पैसे अड़ा हुआ था गुल्लक निकालो उससे पैसे दो मुझे, अपना गुल्लक खाली करने की सोच रहा था। बहुत सारा काम बचा हुआ है मेरा, आधा तो आज निपटा लिया, और बस थोड़ा खड़े खड़े में ही आज दिन भर ब्लॉग ऐसे ही बन गया जल्दी जल्दी में। तो फिर से आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं, कुबेर जी और महालक्ष्मी आपके घर बहुत सारी धन की बरसात करें, और साथ ही साथ मेरे घर भी तो मिलते हैं जल्द ही नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय एंड गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।